The temperature table contains data in a form which is not very helpful for every user to understand. इस टेबल में जो डाटा है ना टेम्परेचर जिस तरीके से बताया गया तो वो ज़रूरी नहीं कि हर कोई इसको फौरन समझ ले, बस टेक्निक का पता हो तो हम इसको अंडरस्टैंड कर जाते हैं. इफ़ द सेम डाटा इज़ कन्वर्टेड इनटू अ ग्राफ और अ चार्ट द यूज़र वुड बी बेटर एबल टू रीच अ कंक्लूजन. अब इसमें जो भी बताया गया है ना इसको हम पढ़ तो रहे हैं ठीक है, लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है, ये इसका इम्पैक्ट क्या है, इसको एक और तरीका है ग्राफिक्स का तरीका मतलब चार्ट या ग्राफ के थ्रू इसको बताना, इसी चीज़ को बताना. ये तो सिंपल टेबल के अंदर है ना, तो उसमें जल्दी समझ में आ जाता है. फ्रॉम द बार चार्ट वी कैन ईजीली ड्राइव द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट मंथ्स एंड कंपेयर देम विद ईच अदर राइट. सो द सेम डेटा इफ डिस्प्लेड एज अ ग्राफ और चार्ट विल गिव मोर मीनिंग्स एंड अ यूजर कैन ईजीली ड्राइव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच वैल्यूज एट अ ग्लैंस as seen in the below figures. अब हम figures देखते हैं next, तो उसको देखते हुए हम जल्दी समझ जाएंगे और ईजिली समझ जाएंगे कि ये क्या कन्वे किया जा रहा है यहाँ पर इस टेबल के अंदर ना रिगार्डिंग टेम्परेचर ऑफ लड़काना. अब ये देखिए ये एनुअल टेम्परेचर ऑफ लड़काना बार चार्ट है ठीक है, इस तरीके को कहते हैं बार चार्ट. इसमें अरेंज टेम्परेचर है, टेम्परेचर का स्केल बना दिया गया है एवरेज, यानी कम से कम टेम्परेचर और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर इसके अंदर सेटल हो जाए, ऐसा स्केल बनाया जाता है ग्राफ का ठीक है. तो ग्राफ आपने बनाया भी होगा, मैथ्स में इसकी कुछ प्रैक्टिस की भी होगी. तो यहाँ पे स्केल सपोज्ड बनाया जाता है जिसके अंदर सारी रीडिंग हमारी सेटल हो जाए. तो रीडिंग हमारे पास टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम 50 तक ही है, इससे ऊपर का नहीं है. तो 50 लास्ट हमने डिजिट रखा है, 0 से लेके 50 तक ठीक है. उसके बाद हमारे पास मंथ्स हैं, एक तो टेम्परेचर की रीडिंग है, दूसरे मंथ्स हैं. कितने मंथ्स हैं? 12. तो सारे मंथ्स हमने, ये 0 है ओरिजिन और 0 से ऊपर वाई एक्सिस और 0 से इस तरफ ये हॉरिजेंटल जहाँ पे मंथ्स नेम है 12 के 12 महीनों के नाम, ये है एक्स एक्सिस. इसके ऊपर हमने एक्स एक्सिस के ऊपर मंथ्स के नाम सारे लिख दिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ठीक है. अब हमने यहाँ पे उस टेबल के मुताबिक डाटा को शो किया सही, जैसे कि जनवरी में जनवरी का मंथ देखें, जनवरी के मंथ में कितना टेम्परेचर था, कितना शो हुआ हुआ है 24, फिर फरवरी में कितना है 26 ठीक है, फिर मार्च में कितना है, यानी कि इसको हम एवरेज 30 से ऊपर जितना भी उस हिसाब से पूरे के पूरे डाटा को पूरे के पूरे टेम्परेचर को इस हिसाब से मैनेज किया हुआ. जैसे कि दिसंबर में देखिए, दिसंबर में था तो ये थोड़ा बहुत अगर आपको चेंज लगे, जैसा कि दिसंबर में आप रीडिंग को देखें कितनी हो रही है 25, तो दिसंबर में यहाँ पे शो हो रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था. नवंबर में जैसे कि आप स्केल के हिसाब से देखें, यहाँ से नवंबर और उधर से टेम्परेचर कितना आ रहा है 30 की लाइन, तो 30 से थोड़ा सा ज़्यादा, 30 से 35 के अंदर, तो ये समझ लें एवरेज ये होगा 32. इस तरह से यहाँ पे ईजिली हम बार चार्ट के थ्रू हम ईजिली अंडरस्टैंड कर गए कि डिफरेंट महीनों में टेम्परेचर कितना रहा. और अभी इसमें देखिए कि इसमें देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गर्मी किस महीने में रही, मई में भी ज़्यादा हुई और जून में ठीक है. जून की जो लेवल है ना टॉप पे वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा 44 पे ठीक है. और सबसे जो कम रहा वो कौन सा है, ये है जनवरी का मंथ ठीक है. तो इस तरह एनालिसिस फौरन से एकदम सामने आ गया टेम्परेचर का. तो ये एक बहुत इफ़ेक्टिव वे भी है, बहुत आसान भी है अंडरस्टैंड करने का, और ये यूज़ होता है बहुत सारे डाटा एनालिसिस को डिस्क्राइब करने के लिए. ऑफिसेज में होता है, कंपनीज में होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, स्कूल्स में होता है. अब उसी एनुअल टेम्परेचर को यानी लड़काना के एनुअल टेम्परेचर 2018 को लाइन चार्ट से भी डिस्क्राइब किया गया, वो बार चार्ट थी ठीक है, पूरी की पूरी बार बना दी गई. लेकिन इसी तरह से जैसे एवरेज टेम्परेचर 0 से 50 के दरमियान में है ठीक है, फिर सारे मंथ्स मंथ्स ऑफ द ईयर नीचे डिस्क्राइब हुए एक्स एक्सिस पे मंथ्स के नाम है, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर रीडिंग है स्केल के साथ ठीक है. अब सबसे पहले जो टेम्परेचर देखिए कि जनवरी का मंथ, उसमें 2025 के सेंटर में, सेंटर से भी थोड़ा सा आगे समझ लें कि ये ऑलमोस्ट 24 23 24. तो फर्स्ट पॉइंट हम दोनों रीडिंग्स लेके तो जहाँ पे आई है वहाँ पे पॉइंट बनाते हैं. अब बुक में प्रिंटिंग है थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, अगर आप ग्राफ पेपर पे खुद से
इसको प्रॉपरली फॉर्म करके देखो तो आप अंडरस्टैंड करोगे। आपने लेना है जनवरी का मंथ और वहाँ पे जितना भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को आपने पेंसिल से दोनों जगह पे एक टिक कर लेना, डॉट उसको सर्कल कर लेना। इसी तरह आपने सारे डॉट्स बनाते जाने हैं जहाँ पे रीडिंग मैच हो रही है। स्केल आप यूज कर सकते हो बिल्कुल एग्जैक्टली मेजरमेंट के लिए, तो मेजरमेंट यानी कि लाइन ड्रॉ करने के लिए कुछ भी है। तो आपने यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ तो करनी नहीं है, सिर्फ रीडिंग सही लेनी है ये डॉट्स के थ्रू। फिर आपने कोई भी जैसे रीडिंग ली, ये 45 की है, 44 की है, किसमें, जून में, जून के मंथ उसके सीध में ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो आपने उस रीडिंग को देखते हुए ग्राफ पेपर के ऊपर ये फॉर्म करना है, बना के देखिए। उसके बाद ग्राफ पेपर में भी आप बना सकते हो, लेकिन मेन आपका टारगेट क्या है, टास्क क्या है, कि आपने इसको मैनेज करना है एमएस एक्सेल पे, क्योंकि आप एक्सेल पे बनाना सीख रहे। तो इस चार्ट को आपने एक्सेल के ऊपर फॉर्म करना, या आप खाली चार्ट दोगे वो इस तरीके से मैनेज हो जाएगा। उसमें ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं जब आप यूज़ करोगे। हमने आपको अभी थोड़ी बहुत ऑप्शन बताई हैं बेसिक्स, कि आप इसको अंडरस्टैंड करो। ऑप्शंस हर टैब में सब ऑप्शंस हैं, सब टैब्स हैं, और बहुत सारी विंडोज़ ओपन होती हैं। तो इन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब हम खुद अप्लाई करके देखें। तो आप ग्राफ कैसे फॉर्म होता है आप इसको एक्सेल में बना के देखिए। अब सिंपली हम आपको थोड़े से स्टेप्स बता रहे हैं कि कैसे आपने क्रिएट करना है, हाउ टू क्रिएट अ लाइन चार्ट इन एमएस एक्सेल। फर्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे कि कॉपी दी एग्जांपल वर्कशीट डेटा इनटू अ ब्लैंक वर्कशीट और ओपन द वर्कशीट दैट कंटेन्स द डेटा दैट यू वॉन्ट टू प्लॉट इनटू अ लाइन चार्ट। जो भी डेटा आपने शो करना है ना ग्राफ में, उसमें उस चार्ट में, वो आपने वहाँ पे टाइप किया हुआ या कहीं से लिया या सिस्टम के अंदर से वहाँ पे इंसर्ट किया, ठीक है, उसको आपने लिया, उसको सिलेक्ट किया। नंबर टू, सिलेक्ट द डाटा दैट यू वांट टू प्लॉट इन द लाइन चार्ट। फिर उसमें से वो स्पेशली वो डाटा सिलेक्ट कर लें जो आपने दिखाना है प्लॉट में, उस ग्राफ में। देन क्लिक द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब को क्लिक करना है। उसके बाद देन क्लिक इंसर्ट लाइन और एरिया चार्ट, ठीक है। उसमें से आप ऑप्शन ऑप्शन आपके सामने आएंगे, तो आपने लाइन चार्ट बनाना है ना, तो लाइन इंसर्ट लाइन, ठीक है, चार्ट, इसको आप अपने क्लिक कर लेना। नंबर फोर, क्लिक लाइन विथ मार्कर्स, और उसके बाद फिर आप क्या देखोगे, इसके बाद आप देखोगे कि इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इन स्टेप्स को आप अप्लाई करके देखें एमएस एक्सेल में वर्कशीट स्प्रेडशीट पे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। MCQs exercise A, choose the right answer. Number one, which chart will be suitable to show the share of three partners in a business? एक business में तीन partners के share हैं, तो इनमें से कौन सा chart या graph इस चीज को show कर रहा है, suitable है? A option के ऊपर line chart है, फिर B पे bar chart है, फिर pie chart है, different, इसमें से आपको कौन सा suitable लग रहा है आप उसको टिक करें। द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज फॉर अकाउंटिंग पर्पस इज, अकाउंट्स में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, एमएस वर्ड है या पावर पॉइंट है, एक्सेल है या एक्सेस, तो इसमें एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट्स जिसमें बनती हैं ये मोस्टली अकाउंटिंग में यूज होता है। नंबर थ्री है, द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए यानी बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से, ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, वर्ड का है, एमएस वर्ड, ठीक है, एक्सेल एक्सेस पावर पॉइंट या वर्ड में से वर्ड का है, ए ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है नंबर फोर, द स्पेशल कैरेक्टर दैट इंडिकेट्स एंड इनिशियल द फॉर्मूला मोड इन अ सेल इज, तो आपने एक्सेल में पढ़ा फॉर्मूला को एक्टिवेट करने के लिए हम इक्वल टू का साइन प्रेस कर रहे थे। नंबर फाइव के ऊपर है, द फंक्शन विच इज यूज टू रीअरेंज डाटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाई क्राइटेरिया इज कॉल्ड, तो डाटा को रीअरेंज करके, रीअरेंज करने के बाद सीक्वेंस पे लाना या फंक्शन के हिसाब से इसको सॉर्ट आउट करना, तो ये सॉर्टिंग ऑप्शन के ऊपर होता है, तो बी ऑप्शन सॉर्टिंग ये आंसर है। नेक्स्ट है, इफ वी वॉन्ट टू चेंज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट वी शुड, तो हमें क्या करना चाहिए अगर हम वर्ड डॉक्यूमेंट के पूरे डिजाइन को चेंज करना चाह रहे हैं, ओवरऑल इम्पैक्ट को, तो हमें अप्लाई करना होता है क्या, थीम्स, पेज लेआउट,
वाटरमार्क या मार्जिन्स, मार्जिन से बॉर्डर आप लगाते हो, वाटरमार्क से ब्लैक बैक साइड पे आप बैकग्राउंड को शो करते हो या लोगोज वगैरह को, पेज लेआउट से आप पेज की सेटिंग करते हो, पेज सेटअप, और थीम्स आप ओवरऑल इम्पैक्ट आप डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो थीम्स ऑप्शन है इसमें। और नेक्स्ट एक्सरसाइजेस जो है इस चैप्टर की विल बी अपलोडेड सून। थैंक यू फॉर लिसनिंग।